नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। खबर कोटा से है, जहां पर आपको बता दी कि पूर्व विधायक भवन सिंह रालेवत की यानी डीएफओ की मारपीट के मामले में हाई कोर्ट ने आज उनकी जमानत की है, तो बताया जा रहा है कि आज शायद उनकी रिहाई हो सकती है। सीधे दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट ने उप वन संरक्षक को थप्पड़ मारने और अभद्रता करने के साथ ही राजकार में बाधा डालने के मामले में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। जस्टिस सी के सोनगरा की एकल पीठ ने यह आदेश राजावत की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दिए। जमानत याचिका में अधिवक्ता अनिल उपमन ने बताया कि याचिकाकर्ता को राजनीतिक द्वेषता के चलते फंसाया गया है। कोटा शहर में प्राचीन डाड़ देवी मंदिर जाने के लिए सड़क पर पैच कर वर्क का काम चल रहा था, जिसको वन विभाग ने रुकवा दिया और अनुमति लेने की बात कही। वहीं इस मामले पर लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद याचिकाकर्ता अपने समर्थकों के साथ वन विभाग के कार्यालय गया था। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने नवरात्र में लाखों श्रद्धालु दाड़ देवी मंदिर दर्शन करने के लिए आने की बात कहते हुए सड़क निर्माण रोकने का विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद उप वन संरक्षक रवि मीणा ने नयापुरा थाने में भवानी सिंह राजावत व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जमानत होने के आदेश के बाद आज रिहाई होगी। तब से हर जगह ही हमारे पास भी सूचना मिलती है, हम लोग भी हॉस्पिटल और इधर सब जगह जा रहे हैं, कार्यकर्ता सब जोश में हैं। अब कल का है जहाँ तक रिहाई का, और कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ में, इस मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ खड़े रहने के लिए। और आगे उम्मीद करेंगे कार्यकर्ता इसी हिसाब से काम करते रहें, जनहित के लिए, चाहे जेल जाना पड़े चाहे कुछ भी हो, जनहित के लिए हमेशा पापा सबके साथ। झूठा फंसाया गया था, कोर्ट ने फिलहाल राहत दी। पुलिस की कार्रवाई जैसी भी हुई थोड़ी कहीं ना कहीं खराब ही थी, और जहाँ तक सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबके सामने। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, वो तो जनता ही फैसला करेगी उस चीज का। तो फिलहाल राहत मिली है, फिलहाल समर्थन बहुत अच्छा रहा, लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक रहा इस चीज से। अब आगे भी ऐसे ही जनता के लिए लड़ते रहेंगे। एक दिन की घटना है जब एक और भवानी सिंह जी का ये कांड हुआ और दूसरी ओर केडीएल के वहाँ पर एक कांग्रेस नेता द्वारा जमकर मारपीट की गई। समर्थकों में किसी की बात है आज, जैसा कि हमें अभी जस्ट आप लोगों के माध्यम से ही सूचना मिली है कि राजावत साहब को अभी जमानत मिल गई है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। उनका जो संघर्ष 40 वर्षों का जो संघर्ष रहा है, वो चाहे किसान के रूप में ले लो, चाहे एक आम आदमी के रूप में ले लो, चाहे एक ठेले वाले के रूप में ले लो, वो कभी भी किसी भी मुश्किल में हर एक आम आदमी के लिए वो खड़े हो जाते हैं और हो जाते रहेंगे। और आप ये देखिए कि ये जो जमानत मिली है, मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि ये भी कार्यकर्ताओं की दुआएँ हैं, उनका आशीर्वाद है, उनका समर्थन है, जो उनको ये जो जमानत मिली है। एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि जिस प्रकार से बोस को, राजावत साहब को फंसाया गया है, वो जो डीएफओ साहब हैं वो पिछले 2 वर्षों से बहुत ज़्यादा घनिष्ठतम रूप से राजावत साहब के साथ थे। उन्होंने एक प्यार की जैसे एक थप्पी लगाई जाती इस तरह लगाना। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एक डीएफओ जो कि तीसरे नंबर की एक पोस्ट होती है इंडियन रैंक में, उनका एक तरीके से अपनी खुद की कुर्सी पर बिठाना, क्या उनको प्रोटोकॉल याद नहीं था? तो यहीं पे एक अपने आप में एक नज़र आ जाता है कि वो अपनी कुर्सी में क्यों बैठाना चाहते थे। मैं ये समझता हूँ अगर राजावत साहब बैठ जाते, उनकी बातों में आते, तो उनकी न्यूज़ हो सकता है और अच्छी बनती। उनकी न्यूज़ ये बन जाती कि भाई डीएफओ साहब को थप्पड़ मार के और राजावत ने कुर्सी हथियाई, इस तरीके से भी वो कुछ कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर ही है, उनको कम से कम जाँच अच्छी तरह करके और राजावत साहब को न्याय दिलाना चाहिए था। लेकिन माननीय हाईकोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने जमानत दी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।